हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरी से होंगे, मज़े से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं कि नदीम सरवर साहब हैं, जो कि मुझे इसमें दिख रहे हैं कि राशन ड्राइव करके कुछ उसमें जैसा सब टाइटल लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। ऐसा एशिया के सबसे बड़े नोहा खां नदीम सरवर जे डी सी की राशन ड्राइव। मुझे डी जे डी सी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आई थिंक वो चलें शायद अगर पता चल जाए कि क्या है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कराची न्यूज़ की चैनल के जानिब से ये वीडियो है, आप ज़रूर जाके इनके चैनल को विज़िट कीजिएगा और वीडियो ज़रूर वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं कि नदीम सरवर साहब ने क्या कुछ उन्होंने प्रोग्राम किया है, जो राशन मुझे लगता है कि डोनेट कर रहे हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बातें बात करते हैं इंशाल्लाह बाद में। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये बात बड़े फर से बोल सकते हैं कि आज यहाँ जेडीसी की जो एशिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव है, जिसके अंदर 1,00,000 बोरे एक वक्त में पैक हो रहा है। सलाम मुतासरीन, जेडीसी काम तो पहले दिन से कर रही है सलाम मुतासरीन के लिए, लेकिन अब एक साथ इसमें बढ़ा दिया हमने काम, क्योंकि अब चूंकि मुतासरीन को महीना हो गया है खुले आसमानों के नीचे और अब काफी मुसीबत का शिकार है। आज वो पैकिंग आखिरी मराइल में थी, जो पीएफ को 50,000 बोरे दिए जा रहे हैं और रेंजर्स को 50,000 बोरे। तो यहाँ पर फखरे पाकिस्तान सफीर अदा जनाब नदीम सरवर साहब आज चूंकि पाकिस्तान में थे, आपने यहाँ विजिट किया, अपने हाथ से मुतासरीन ने सैलाब के लिए राशन पैक किया। अभी अभी बिल्कुल हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ से गए, नबील गबोल साहब गए, मुराद सोनी साहब गए और आप यहाँ तशरीफ लाए। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा एलियाना पाकिस्तान की तरफ से, आप पाकिस्तान का फखर है, आप यहाँ आए, आपने अपने हाथों से मुतासरीन के लिए राशन पैक किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? पर आप वहाँ बैठ के मुतासरीन के लिए क्या देख रहे थे, क्या 1,00,000 राशन? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माशाल्लाह मुझे जेडीसी आने का मौका मिला और इनके जनाब जफर अब्बास साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं इनका पुरानी देरीना इनका फैन हूँ और इनके काम और उसी बाखबर उसी खबर रखता हूँ कि क्या क्या काम ये लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह दूसरे इदारों की तरह ये भी सरगर्म अमल है और यकीन कीजिए कि मैं समझता हूँ कि जहाँ दुनिया में इतने प्यार करने वाले मेरे हैं और अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो ये लोग हैं, जिसमें जफर अब्बास शामिल हैं और जेडीसी शामिल है। खुदा इनके बाजुओं को मजबूत करे, इनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं पूरी दुनिया से, हम लोगों ने जिस तरह हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से भी बल्कि पूरी दुनिया से तकरीबन जो इमदाद पाकिस्तान के लिए आई है, मैं तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि इस कड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद की जाए और जो हमारे मुतासरीन हैं, जहां जहां सैलाब से ये तबाहकारियां हुई हैं वो मैंने खुद भी देखी हैं, मैं खुद भी गया हूं वहां पर। अभी इंटीरियर सिंध में गया था काजिम शाह साहब के, तो वहां पे भी मैंने ये मनाजिर अपनी आंख से मैं देखे और इन हालात में, इन कड़े वक्त में इसकी जफर अब्बास साहब ने इसकी एक लंबी तफसील बताई मुझको कि क्या इसमें कठिनाइयां हैं, कितनी दुश्वारियां हैं कि वो थैले से लेकर के उसको पैक करना, पैक करने से उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये एक बड़े मरहल हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि इनको सोने का भी टाइम नहीं मिलता। इनके हाथ मजबूत नजर देख रहे हो तुम, और कहां से कहां तक फैला पाकिस्तान हुआ है के मतलब इस कड़े वक्त में मेरी नजर जहां तक जा रही है ना, पूरी दुनिया से मेरी गुजारिश है कि आइए मदद कीजिए उन लोगों की जो मदद के मुस्तहिक हैं। और यही वक्त होता है कि जब इंसान सवाब करने में पहल करे ताकि उसकी दुनिया और आखिरत संवर सके। मैं शुक्रगुजार हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है, मुझसे प्यार करती है, मैं जफर अब्बास साहब का फैन हूँ और इसलिए फैन हूँ कि यही मकसद है और यही पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का है कि जब ना रखता हो कोई अपने पड़ोसी का ख्याल, फायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से। और जब भी आप मुझे इस सिलसिले में पुकारेंगे इंशाल्लाह मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और मैं बहुत मुतासर हुआ कि ये देख रहे हैं आपके हजारों पैकेट तैयार हैं माशाल्लाह और डेली बेसिस के बुनियाद मुझे लास्ट लाइट दिख रही है, थ्री लाइट दिख रही है सामने से, मेरी नजर वहां जा रही है, बहुत साफ से मुलाकात करूं इनसे और इनको, इनकी हिम्मत बनाऊं, चंद लफ्ज जो शाबाशी के हैं वो इनको दे सकूं। बहुत शुक्रिया, मैं तो बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करूंगा। तो बहुत खुश होंगे आपको देख के, लोग आपके फैन हैं और बिला तफरीक लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वैसे ही जैसे आप पाकिस्तान के दर्द रखते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये थी, यहाँ आके नदीम सरवर साहब ने ना सिर्फ मुआयना किया बल्कि अपने हाथों से पैकिंग में हिस्सा लिया, ये असल चीज थी कि अपना हिस्सा डाला। आप यकीन जाने सरवर साहब, जब ये बोरा जिस फैमिली तक जाएगा, अगर मैं आपको उस फैमिली का मंजर ला के दिखा दूंगा तो आप भी, लोग खुले आसमानों में हैं, उनके जिस्म पर वही कपड़े हैं जो पहले दिन उन्होंने 28 दिन, उन कपड़ों में पानी की बदबू है, बेचारे मच्छरों के काटे में, उनके जानवर मर रहे हैं, लोग मुसीबत में और खतरनाक मुसीबत में।
तो उनके लिए आपकी इमदाद उन तक पहुंचेगी और आपका ये काम जो आपने अपने हाथ से किया, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। और आप यहाँ आए इस पे एक बार फिर आपका शुक्रिया करूंगा पूरे कराची की। मैं आया नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत बेचैन था आपसे मिलने के लिए और जेडीसी आने के लिए बेचैन था कि मैं चाहता था कि इसमें किसी तौर से भी मेरा जो हिस्सा हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है क्या? वो यही पैगाम तो है कि मदद कीजिए, तामीर कीजिए, लोगों के काम आइए। सबसे जो आप अपनी कंट्री की जो वॉलंटरी आप अपनी खिदमत दे सकते हैं वो यही है। इन ये जफर अब्बास साहब और जेडीसी के जितने भी बच्चे या नौजवान यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आपका मैं स्टॉल देखता हूँ, वहाँ वहाँ आपका कैंप देखता हूँ। आपको सेहत दी, जिंदगी दे, आपका साया सलामत रहे। आपके मोहम्मद वाले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, सलाम अलैकुम। ओए हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, यार क्या माशाल्लाह क्या काम है यार, अल्लाह अल्लाह क्या काम है, अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रहा हूँ यार सामने से, कि मतलब मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक देख रहा हूँ कि मैं ये बोरियाँ पड़ी हुई हैं। अल्लाह उन तमाम लोगों को जजाय खैर दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी आखिरत में ऊँचे से ऊँचा मकाम अता करे, जिन जिन लोगों ने भी इस शिरकत में अपना इमदाद किया हुआ है, और अल्लाह ताला खैर करे। मुझे अभी पता चला कि JDC एक संस्था है जो हमारे ये भाईजान, इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ, और कराची न्यूज़ से जो कि इस चैनल पर इनका आई थिंक 4 से 30 मिनट आई थिंक ये वीडियो थी जिसमें नदीम सरवर साहब को ही ज़्यादातर कवर किया गया कि उनकी वो पाकिस्तान आए थे और वो जो उन्होंने भी शिरकत ली, अपना इमदाद दिया है, और उन्होंने साथ ही साथ मिलकर उसमें अपनी मदद भी शामिल की कि खुद अपने हाथों से उन्होंने बोरियां जो भी है, अल्लाह ताला खैर करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तो देख रहा था यार कि मुझे उसके दिन के बाद से मुझे कोई खबर लाइक टाइम ही नहीं मिल पा रही थी कि मैं देखूँ उसके बारे में, जो फ्लड आए थे वहाँ पर, जिस तरह की बाढ़ आए थे, कितने लोगों को क्या परेशानियाँ क्या दुश्वारियाँ हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह खैर करे। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि जो मुसीबत में हो उस मुसीबत में उन लोगों की इमदाद की जाए, उनकी मदद की जाए, ये हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। और जैसा कि नदीम सरवर साहब ने अपनी उन चंद लफ्ज़ों में जो खूबसूरती उन्होंने देखे कहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा यार। मैं तो शॉक हो गया हूँ कि कई कई हज़ारों लाखों की तादाद में बोरियाँ पैक हैं और किन किन लोगों ने माशाल्लाह किया। दिल खोल के करो यार, दिल खोल के करो, ये जो काम है ना, ये जो काम है ये आपको आखिरत में इसका अजर मिलने वाला है, ये काम जो है आपको आखिरत में बहुत बड़ा अजर मिलने वाला है। ओ मेरे खुदाया क्या यार, मैं तो देख के शौक हो गया, मैं जब मंजर जो देख रहा हूँ, और माशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे जो JDC इनकी संस्था है। मुझे लगता है कि ये हेल्प आउट ही करते हैं लोगों की, उन्हीं से रिलेटेड है ये सारी कुछ चीज़ें जो इनकी संस्था होगी। तो जो इतना बड़ा फ्लड आया, वहाँ पर बाढ़ आई है, उनमें जो लोगों भी अल्लाह ताला खैर के यार, मेरी बातें नहीं निकल रही, पा खुदा कह रहा हूँ मेरी बातें नहीं निकल रही। अल्लाह अल्लाह, इंशाल्लाह मैं कुछ और इससे रिलेटेड लेकर आऊँगा, ये देखना चाहूँगा कि वहाँ पर जो भी कुछ हालात हैं। आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सबके जानकारी में या कोई ऐसी वीडियो हो जो वहाँ की इंफॉर्मेशन मुझे अच्छी तरीके से देखने को मिल सके, जहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इमदाद हुई है, क्या कुछ उनके लिए मदद आई है, मैं ज़रूर वो चीज़ देखना चाहूँगा। अल्लाह सच बता रहा हूँ, मेरे अल्फाज बंद हो गए हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बस मेरे लिए दुआ के सिवा कुछ नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने भी इस काम में शिरकत ली है, इस काम में शिरकत ली है। आई थिंक मुझे याद है कि मैं एक आध हफ्ते पहले शायद मैंने कोई एक वीडियो रिएक्ट किया हुआ था जब वो बाढ़ आई थी वहाँ पर जिस तरह की, तो मैंने शायद उसमें आप लोगों से शेयर भी किया था कि आप लोग जो भी हो सके कुछ आप अपना इमदाद ज़रूर करें वहाँ पर, और अल्लाह के लिए करें, जो अल्लाह के लिए करता है वो बेशक उन तक पहुँचता है जो अल्लाह के मानने, अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, और अल्लाह हर मोमिन से प्यार करता है, हर इंसानियत से प्यार करता है, तो वो उन तक ज़रूर पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। तो खैर गाइस, या इस वीडियो के लिए बस यहीं तक, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कोई लिंक हो या इंस्टा पे मुझे ज़रूर DM कीजिएगा जो उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हों। इंशाल्लाह फिर इसी तरह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।